Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. आज हम संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो कोई भी एग्जाम से मोस्टली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आज। तो नतजा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि GS से या जनरल स्टडी से संविधान के टॉपिक आता है, तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को अक्सर पूछा जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। मतलब पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो वह है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान दिया था? तो भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला, या डोमिनियम स्टेटस? तो ये 15 अगस्त 1947 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। तो किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को लाभ मिल सके। सो गाइज, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। सो गाइज, नतजा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं बंद एलन में, तो इसको देखते रहें आप, जिससे कि भावी शिक्षक बन सकें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।